सबसे पहले वीडियो देखो, ये सौरभ जोशी का क्या कहना है। अगर मैं आपके लिए रिक्वेस्ट करता हूं, एक वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, जवाब क्या आता है, पहले आप इस चीज को देखिए, ये वीडियो देखिए, देन इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सौरभ जी, नहीं हाथ मत जोड़िए, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हाथ नहीं जोड़ा रहे हैं, ठीक है, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं 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 समझ गया, ठीक है कोई नहीं, बाकी हमने आपको बता दिया है ना, ऑलरेडी साइंड हो जाए, 6 सालों से सर हम इसी में साथ है, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो चाह रहे थे, चलिए कोई नहीं, फिर आप जो डिसीजन ले रहे हैं अच्छी बात है, कोई नहीं सर, हमारे तो काम है बस रिक्वेस्ट करना, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं करता सर। पर्पज भी बता दिया अपना, लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो शुरू शुरू में आपने क्लिप देखा है, अभी मैं दोस्तों अभी आपने अगर नहीं अच्छे तरीके समझा तो मैं अभी पूरा बोल बोल के सुनाऊंगा वो, कि वो क्या क्या बोल रहा है सौरभ जोशी, और यार बिल्कुल गलत किया है सौरभ जोशी ने, ठीक है, जो हमें पता है भाई कि आप भारत के नंबर वन ब्लॉगर हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी कहेंगे, ठीक है, टेक टिप इन सपोर्ट कहीं ना कहीं जो यूट्यूब टिप्स देते हैं वो आपकी तरह यूट्यूबर लोगों को बना रहे हैं, ठीक है, अगर अगर कोई हमारे जो 100 लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, 100 लोगों में से अगर एक लोग भी यूट्यूबर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने घर की अपने परिवार की खर्चा भी चलाएगा, और तुम क्या, तुम सिर्फ इंटरटेन कर रहे हो, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लोग इंटरटेन होंगे और कुछ भी नहीं, इंटरटेन क्या, वो भी आपका जो इधर उधर घूम घूम के दिखाते हो वो सब दिखाते हो, ठीक है, और लेकिन जो लाइव बना रहा है लोगों की, मैं भी जैसे मैं यूट्यूब टिप्स देता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता हूँ, तो भाई कहीं ना कहीं टेक चैंपियन सपोर्ट जिनका ऑलरेडी 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हुआ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तुमसे पहले यूट्यूब पे हैं, लेकिन फिर भी तुमने उनको जो बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है, ठीक है, और मैं अभी कुछ और भी क्लिप ऐड करूंगा जिसके बाद आप देखिएगा और आपको खुद बुरा लगेगा, ठीक है, क्योंकि यार देखो ये लाइफ है और आपको ऊपर चढ़ाने वाला और आपको नीचा गिराने वाला एक ऑडियंस ही है, ठीक है, अभी मेरी वीडियो अगर वायरल होगी तो लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो वो आप ही लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो मतलब आप लोग मुझे वायरल करेंगे, और अगर कभी मैंने कुछ गलती किया तो आप अनसब्सक्राइब करके फिर से मुझे डाउन भी कर सकते हैं, तो यार सौरभ जोशी वही काम कर रहा है, ठीक है, वो अभी तो अभी उसका मतलब समय वो वायरल हो रहा है, तो इस समय वो ज़्यादा इधर उधर 3-5 कर रहा है जो कि उसको करना नहीं चाहिए, भाई अगर कोई आपके साथ, अरे यार मैंने पूरा ब्लॉग देखा था उनका, जो उनके साथ रहते अल्तमस खान, उनका मैंने पूरा ब्लॉग देखा जो शुरू से लेकर लास्ट तक वहाँ पे मिलने गए थे, यार लगभग 800 से 900 किलोमीटर चलकर, वो भी बाइक से, ये नहीं ट्रेन वगैरह पर डायरेक्ट पहुँच जाएँ, वो बाइक से चलकर उसने कड़ाके के ठंड में जा करके वहाँ पे मिलने गए थे, और वो भी पूरा भाव नहीं दिया उनको, मतलब कि बिल्कुल से उनको इग्नोर कर रहा था, ठीक है, और कर रहा है कि सॉरी सर मैं नहीं दे सकता ये वो, पता नहीं प्राइवेसी वगैरह क्या क्या बोल बोल के वो 3-5 करके ऐसा ऐसा बोल रहा था, जो कि यार मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, और यार मैं क्या ही बोलूँ सौरभ जोशी, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उतना मेहनत कर कोई बंदा जा रहा है, वो भी एवरेज बंदा तो था नहीं, हमें पता अगर कोई एवरेज बंदा रहता तो भाई वहाँ पे आप मिलने के लिए क्या, तुम तो दूर से भगा देते तुम्हारे जिस प्रकार से काम था, इनका तो यार आज 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, 3.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, साथ ही साथ यार ऑलरेडी इनका एक चैनल मतलब था इतना अच्छा का सब्सक्राइबर जो डिलीट हो चुका है, और साथ साथ वो सब्सक्राइबर तो मैटर नहीं करता, तुम्हारी कैटेगरी मैटर करती है, ठीक है, यूट्यूब टिप्स की जो कैटेगरी है ये लोगों की लाइफ बनाती है, ठीक है, कितने लोगों को बताती है, कितने लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है, ठीक है, हालांकि आपको पता होगा मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है, लेकिन हाँ अभी लगभग 3 से 4 दिन पहले एक भाई ने मेरे यहाँ कॉल किया था, कॉल मतलब इंस्टाग्राम पे मतलब कॉल किया था, उनका यार पेमेंट बच गया था, 40,000 सब्सक्राइबर थे और लगभग $500 पेमेंट बचा था, मतलब लगभग 40 से 45,000 उनका बच गया था, और उनको बिल्कुल से परेशान हो गए थे भाई मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, और बड़े बड़े यूट्यूबर जानते हैं बड़े बड़े उस पर जल्दी रिप्लाई नहीं करते हैं, तो उन्होंने मेरे पास कॉन्टैक्ट किया, मैंने तुरंत उनका रिप्लाई दिया, ठीक है, रिप्लाई करने के बाद जब मैंने देखा कि भाई हाँ इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैंने डायरेक्ट उनको अपना नंबर सेंड किया और डायरेक्ट कॉल पर बात हो गई, कॉल पर बात हुई, मैंने सारा उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, और यार उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हुआ, साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए, कहे कि भाई मैं आपको कुछ पैसा देना चाहता हूँ, कहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं पैसा वगैरह नहीं लेता हूँ, मतलब उनका हेल्प करने के बाद वो इतना ज़्यादा मेरे से खुश हो गए, ठीक है, उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे, वो अपने आप ही मुझे कुछ पैसे पे कर दिए, और ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी हुआ कि मेरा काम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, जब मैं किसी का हेल्प करता हूँ तो बहुत अच्छा है, तो यार सौरभ जैसे तुमको ये समझना चाहिए कि वो यूट्यूब टिप्स के यूट्यूबर हैं, साथ साथ उनके इतने सब्सक्राइबर हैं, देखिए मैं
हमेशा टेक चेंज में सपोर्ट की भी बुराई करता हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन अगर जब जिस दिन बात अगर ये आएगी कि ये जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में बात आएगी तो फिर भाई मैं तो बोलूँगा ही, अपनी कैटेगरी की तरफ से बोलूँगा ही, ठीक है। और यार जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ टेक चेंज सपोर्ट के साथ, ठीक है, और ये नहीं करना चाहिए सौरभ जोशी को, ठीक है। जिसके बाद टेक चेंज सपोर्ट ने लगभग दो वीडियो अपलोड किए, समझाएं, बोले कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने देखा, मुझे खुद बुरा लगा, लगभग 25 मिनट तक बोले उस वीडियो, मैंने 25 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, वही यही थंबनेल था जिसमें उन्होंने लगभग 25 मिनट तक बोला हुआ था, ठीक है, जो कि सौरभ जोशी को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई जो वीडियो देख रहे हैं लोग ना, इसमें तो मेरा 90% लोग ऐसे होंगे जो सौरभ जोशी को जानते होंगे, उनकी वीडियो भी देखते होंगे, ऐसे सभी लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर जिस दिन अगर आप YouTube टिप्स वालों को ऐसा बोलेंगे, मतलब जो टेक चैंपियन सपोर्ट जब आपके पास गए तो उनको ऐसा बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर वो चाहेंगे तो आपके कुछ ना कुछ व्यूवर तो गिरा सकते हैं, ठीक है, इतना तो पावर है ही। भाई देखो अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि ऑडियंस क्या चीज़ है, और जब आपके साथ अगर आपके पास कोई जा रहा है तो आप ऐसा 3-5 कर रहे हैं, लेकिन हाँ जिस दिन यही ऑडियंस आपको गिराएगी ना, उस दिन ऑटोमेटिक रास्ते में जाते हुए लोगों से मिलोगे तुम, और कोई ऐसे हाथ मार देगा तो पर्सनली गले लग के तुम बात करोगे, ठीक है। और मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि सौरभ जोशी ने ऐसा किया है, और इसलिए मैं आज खुल के बोल रहा हूँ सौरभ जोशी को कि ऐसा मत करो, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा सौरभ जोशी, ठीक है। तो आशा करते हैं जो वीडियो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा कि सौरभ जोशी ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन हाँ ठीक है, मैं अगर मेरी ये वीडियो जितने भी लोगों तक पहुंच रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाएं कि सौरभ जोशी की जो रियल सच्चाई है। भाई देखो उनका तो 3.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर थे, जब वो उनको इस तरह बोल दिया है तो फिर आप समझ सकते हैं, और जो एवरेज मतलब हम लोगों जैसा अगर यूट्यूबर उसके पास जाएगा, कोई नॉर्मल यूट्यूबर नहीं, कोई नॉर्मल बंदा जाएगा तब भाई क्या करेगा वो, क्या पता गाली दे दे, कुछ भी कर सकता है भाई, जब इतने बड़े यूट्यूबर को ऐसा बोल सकता है वो, तो फिर अगर कोई एवरेज बंदा जाएगा, एवरेज यूट्यूबर जाएगा, नॉर्मल बंदा जाएगा, तो फिर गाली भी दे सकता है वो, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि भाई देखो आप कितना भी बड़ा हो जाओ, कितना भी आगे निकल जाओ, अपनी वास्तविकता नहीं भूलना चाहिए। भाई देखो अगर मैं अगर इंस्टा खोलूंगा ना तो लगभग इतने सारे लोगों का कमेंट रहेगा, तो कुछ लोगों का प्रॉब्लम रहेगा, तो कुछ लोग उसमें ये लिख के करेंगे, कोई एक पोस्ट डाल देगा भाई पोस्ट को लाइक कर दो, ठीक है, कोई एक मतलब फोटो भेज देगा कि भाई इस फोटो को लाइक करो, तो भाई ये सब इतना मेरे पास कहाँ समय रहता है। और लेकिन जब किसी का प्रॉब्लम आता है तो मैं खोल के देखता हूँ, अगर इसका प्रॉब्लम डायरेक्ट मैसेज करता हूँ और उनसे पर्सनली बात करता हूँ। भाई देखो एक बात मैं जो कहूँगा अपने दिल से कहूँगा, जैसे मैं आज लोगों की हेल्प करता हूँ, कल को मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मतलब कितना भी सब्सक्राइबर मेरे हो जाए, मैं इसी तरह लोगों के साथ रहूँगा, इसी तरह लोगों के साथ बिहेव करूँगा जैसे इस समय करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ उसी तरह हमेशा करता रहूँगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जो भी जानने के लिए मिला होगा, ये टेक चेंपियन सपोर्ट और सौरभ जोशी का जो भी हुआ था मैटर उसके बारे में बोला हूँ, आशा करते हैं आपने जो भी जाना आपको जानकर तो बुरा ही लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि सौरभ जोशी की सच्चाई जो है सबके सामने आ जाए। तो अब चलिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चले दोस्तों बाय।